उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं तीन दशक से काबिज सपा इस बार कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी बुरी तरह हार के बावजूद कर्नाटक में बीजेपी की हार पर पहले ट्वीट करके तंज कस दिया। ये तो वही कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कर्नाटक में सपा का कोई नाता नहीं है, फिर भी उन्हें खुशी है कि बीजेपी वहाँ हार गई है। वही उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में सपा के बेहद खराब प्रदर्शन के पीछे क्या कारण है, अभी तक शायद अखिलेश यादव को खुद ही नहीं पता होगा, क्योंकि वो तो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बेहद व्यस्त नजर आ रहे थे। खैर, राजनीतिक कारों ने इसके पीछे बड़ा खुलासा किया है कि आखिर सपा कैसे इतनी बेहद बुरी तरह से उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में हार गई। अब आप सोचेंगे कारण सीधे तौर पर योगी बाबा हैं, लेकिन यहाँ खेला कुछ और है। इस बार अखिलेश के साथ खेल मायावती ने किया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सपा के इस तरह के हार के पीछे मुस्लिम कार्ड है। मुस्लिम कार्ड मायावती ने फेंके हैं, जिसमें सपा पार्टी पूरी तरह फंस गई है। चलिए आपको मायावती के 5 दाव बताते हैं जो उन्होंने अखिलेश के साथ खेला है। पहला, सपा ने मेयर पद के लिए 4 मुस्लिम कैंडिडेट चुने थे। पार्टी ने केवल गाजियाबाद से यादव चेहरे के मेयर को टिकट दिया था, जिसके बाद राजनीति जानकार मानते हैं कि मायावती ने 17 में उम्मीदवारों में से 11 टिकट मुस्लिम को दिए। सपा ने पहले चरण में 10 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया था, जिसमें 6 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। वहीं दूसरे चरण में 7 उम्मीदवारों में से 5 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, यानी कि पार्टी की सपा के कोर मोटर्स में सेंध लगाने की पूरी कोशिश की गई। दूसरा, आपको अतीक अहमद और अशरफ एनकाउंटर याद होगा और मायावती का बयान भी, जिसमें उन्होंने सपा पर आरोप लगाए। वैसे तो मायावती ने अतीक के परिवार को टिकट देने से मना कर दिया था, लेकिन मुस्लिमों का हितैषी होने का दावा कर दिया, यानी एक तीर से 2 निशाने। राजनीतिक जानकार कहते हैं अतीक और अशरफ एनकाउंटर के बाद एक तरफ सपा से जहां मुस्लिमों ने नाराजगी दिखाई, तो उन्होंने विकल्प के तौर पर भाजपा को टक्कर देने के लिए बसपा को मजबूत माना। तीसरा, इस बार मायावती ने खेल का पैटर्न बदल दिया। इस बार उम्मीदवारों को नहीं, निकाय चुनाव में सिंबल पर बसपा ने चुनाव लड़ने पर वोटर्स ने खुलकर मतदान दिया। यही कारण है कि सपा दलित मुस्लिम ओबीसी वोट कार्ड बैंक को एक करने में सफल नहीं हो सके। चौथा, विधानसभा चुनाव के लिए 2017 में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में आई, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने बसपा के साथ हाथ मिलाया, जिसकी वजह से अखिलेश को अपनी पार्टी से नाराजगी झेलनी पड़ी थी। तब भी अखिलेश नेतृत्व वाली सपा को कोई खास फायदा नहीं हुआ था। वहीं अब 2023 में अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ संभर सुधारे, लेकिन प्रयास बहुत देर से किया गया और बहुत कम साबित भी हुआ। यही कारण है कि अखिलेश के इन लिए फैसलों पर अब उनके खुद के कार्यकर्ताओं में अखिलेश के प्रति सवाल उठ रहे हैं। पांचवा दाव, निकाय चुनाव के परिणाम के बाद भी सपा खुद का प्रदर्शन बेहतर मान रही है। सपा प्रमुख अखिलेश के नेतृत्व में लड़ा गया पहली बार यह चुनाव 17 निगमों में से 9 सीट पर समाजवादी पार्टी और भाजपा की सीधी टक्कर में रहा। अखिलेश और शिवपाल का फार्मूला गांव के निकाय चुनाव में भी सफल होने का दावा किया जा रहा है। सपा 9 महापौर की सीट पर दूसरे पायदान पर रही। 4 सीट सहारनपुर, मथुरा, गाजियाबाद और आगरा में बसपा दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस सहारनपुर, मुरादाबाद और झांसी में दूसरे नंबर पर थी। वहीं मेरठ में IMIM नंबर 2 पर रही। ये 5 दाव थे जो मायावती ने अखिलेश यादव की पार्टी के साथ खेला। और राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सपा की हार के पीछे बसपा के ये 5 दाव शामिल थे। अब मायावती के इस 5 दाव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।